हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफ स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लाइक बेसिक नहीं आता है या फिर जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा पेपर में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सेशन ये होने वाला है। आपको 2 या 3 क्लासेस हर सैटरडे को मिल जाएंगे सुबह 5 बजे के टाइम स्लॉट में, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ के जाओ और पेपर के अंदर करके उन क्वेश्चंस को आइए। अभी यूपी पीटी के पेपर में अगर आपने देखा हो तो 1-2 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आ गए थे, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई थी कि मैम आंसर ही नहीं आ रहा है, नाउ व्हाट टू डू, है ना। तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसके साथ में हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स की। SSC, MTS, GD, UPSI, ये जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आगे होना बाकी हैं उन सबको ये कवर करेगा। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मैपिंग का क्लास होता है, ये मैपिंग का क्लास आपका शाम को 4:30 बजे होता है, जहाँ पे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैपिंग पढ़ाई जा रही है। और कल मैंने एक क्लास लिया है शाम को 4:30 बजे, जहाँ पे मैपिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर, वो पूरा का पूरा एक साथ करा दिया है। तो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपके जो स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं, 2 स्पेशल क्लासेस हैं। एक क्लास है 10:30 बजे, जहाँ पे घटना चक्र चल रही है, और जो दूसरा क्लास है वहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करेंट अफेयर्स। ये क्लास आपका रहता है डेली बेसिस पे, सुबह 6:45 AM पे ये क्लास होता है, तो इसको मिस मत करना। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि यहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स की न्यूज़ की एनालिसिस मिलेगी। इसके साथ में जो भी स्टेट होगा उसका GK का पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ में आपको मैपिंग का कंटेंट भी मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में मिल जाती हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं सवालों की। सेशन का जो लिंक है एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी इकोनॉमिक्स यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। चलो, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द किनियासिस इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि किनियासिस की जो इकोनॉमिक थ्योरी है उस थ्योरी को डेवलप करने का पूरा आप कह सकते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये काम किसके द्वारा किया गया है वो आपको बताना है। तो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात समझिएगा कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो का मतलब हो गया कि हमने सिर्फ बात करी है इंडिया के बारे में, लेकिन जब मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मैंने आपसे कहा है इंडिया के साथ साथ और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारा ट्रेड कैसा है, उनके साथ में हमारे रिलेशंस कैसे हैं, उसके बारे में बात करिए। तो माइक्रो इज़ अ स्मॉल टर्म, मैक्रो का मतलब हो गया ग्रैंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा देशों के बीच में कैसा ट्रेड होता है उसके बारे में। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा जॉन मेलांड कीन्स के द्वारा ये दिया गया। इकोनॉमिक्स के अंदर 3-4 नाम ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि कीन्स का हो गया, या फिर एक फिलिप कर्व होता है, या लॉरेंस कर्व होता है, या गिनी कोफिशिएंट होता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। कहा जा रहा है द डियरनेस अलाउंसेस, जिसे हम DA के नाम से जानते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू किया जाता है, और जितने भी यहाँ पे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो लेबर्स होते हैं जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, तो इनको यहाँ पे किसके ऊपर काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर इसको काउंट किया जाता है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। कई बार क्या होता है, हम लोग को लगता है कि भैया जब यहाँ पे DA की बात आ रही है तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर काउंट होता है, एंड इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, तो बी प्रिपेयर्ड विद इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ द को एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई का दर है, वो एक जगह पे जाके रुक गया है, उसके साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी जाके एक जगह पे रुक गया है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि जब कोई चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि स्टिल हो जाती है, तो हम उसे किस शब्द से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा स्टैगफ्लेशन। अब ज़रा समझना, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं
या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है फिलिप इंडेक्स। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जो फिलिप इंडेक्स है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है या फिर फिलिप कर्व जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो फिलिप ग्राफ या कर्व जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई होना, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब भी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है या फिर मनी की जो वैल्यू है जब वो कम हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानो ये गोलू है, ठीक है, और ये कलवा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो लोग हैं। अब इसकी जो सैलरी है वो भी 2 लाख रुपए, इसकी जो सैलरी है वो भी 2 लाख रुपए। अब ये दोनों चाहें तो एक अच्छे से वेकेशन पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इनके लिए जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी तरीके से अगर सोसाइटी के अंदर सबकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मनी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हर एक सामान की जो वैल्यू होती है, हर एक सामान का जो प्राइस होता है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हिंदी में अगर हम देखें या फिर अगर हम इसको सीधे शब्दों में समझें तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। समझे मैम? इतना क्यों बताया, सीधे बोल देती महंगाई, है ना। लेकिन जब पेपर में आता ना वहाँ महंगाई लिख कर नहीं आता, वहाँ पे मनी वैल्यू पूछता, इसलिए मनी वैल्यू समझाया है। समझ गए? तो एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, कई बार कहा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है, है ना। क्योंकि अब देखो, ज़रूरी तो है नहीं कि हर एक चीज़ का जो प्राइस है वो कम ही हो जाए। कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक शब्द होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन जो है वो इतना 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 ज़्यादा बढ़ जाए कि भैया वो कंट्रोल होने का नाम ही ना ले, तब क्या होता है? तब जो कंट्रीज होती हैं वो करेंसी छापना चालू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुएला। वेनेजुएला में मैंने आपको बताया था पेट्रो करेंसी के बारे में, और ये पेट्रो करेंसी अलग से लॉन्च करी गई थी वेनेजुएला के द्वारा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था। इसी तरीके से बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जो इस चीज़ को ट्राई करते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है। अगला सुनिएगा, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अच्छा, SBI की बात करो तो SBI के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? दैट वॉज इम्पीरियल बैंक। क्या था? इम्पीरियल बैंक। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो नाम चेंज हुआ था वो 1955 में हुआ, प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे मिलता है? मुंबई के अंदर मिलेगा। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, तो दिनेश जी इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से ICICI बैंक के बारे में पूछा जाएगा तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई के अंदर ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसमें से किस में से होता है? सेल्स, डायरेक्ट, एक्साइज या फिर नन ऑफ दीज। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ के बारे में बात करी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो GST के बारे में ध्यान रखिएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो होते हैं ये क्या चीज़ हो जाएगी? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। क्या है? इनडायरेक्ट, यानी कि अगर आपने एक चॉकलेट खरीदी है तो इस चॉकलेट के ऊपर जो टैक्सेस लगा है वो आप डायरेक्टली जाके सरकार को थोड़ी ना दोगे। डायरेक्टली जाके जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि है, वहाँ जाके थोड़ी ना डालोगे। क्या करोगे? आपको ये जो सामान खरीदे हो इसी के ऊपर 1% या 2% या 3% इस तरीके से करके टैक्स इंक्लूडेड होता है। और आप उस चीज़ को क्या करते हो? चॉकलेट जब खरीदोगे तो वहीं पे उसको पैसा दोगे, और फिर वो पैसा क्या है? उसके द्वारा जहाँ पे आपने पे किया है फिर वो आगे उसको टैक्स के रूप में पे करेगा। तो GST जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आंसर क्या है? एक्साइज ड्यूटी है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, एक्साइज ड्यूटी जो है ये डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गए इंडिया में, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गए वर्ल्ड के अंदर। और ये ध्यान रखना, इनकी जब बात आएगी तो ये किसके बारे में बताएंगे? मिल्क के प्रोडक्शन के बारे में। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, कहाँ?
आनंद नाम की जगह है, किस जगह पर? गुजरात के अंदर, वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कौन सा ऐसा डे है जिसको मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि वो इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है। अगला सवाल, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिलेटेड टू द जैकोटा ट्राइंगल। जैकोटा ट्राइंगल क्या है यार? देखो, इसके अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज आती हैं जिनका आप कह सकते हो ट्रेड जो है वो एक अच्छे लेवल पर होता है, या आप कह सकते हैं कि इन देशों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मतलब कभी भी ये मारामारी के बारे में नहीं सोचते। ये कौन कौन से? जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, या सपोज करो तुमसे पूछा जाए ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, या आपसे पूछ लेगा गोल्डन ट्राइंगल में कौन से आते हैं, या गोल्डन क्रेसिट में कौन से कंट्रीज आती हैं। तो ये सब पढ़ लेना अच्छी तरीके से, हम तो पढ़ाते ही हैं बट पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अगला, अंडर विच 5-ईयर प्लान द स्टील प्लांट ऑफ राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वॉज इस्टेब्लिश। अब देखो, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलेगा। राउरकेला की बात करोगे तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपको ओडिशा मिलेगा। दुर्गापुर की बात करोगे, दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, ठीक है। अब इन सबको कौन से 5-ईयर प्लान के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? तो सेकेंड वाले 5-ईयर प्लान में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड वाला जो 5-ईयर प्लान आया था वो किसके कॉन्सेप्ट पे था? तो आपको ध्यान होगा पीसी महलनोबिस का जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे यहाँ पर इस वाले को बनाया गया था। सवाल, हमारे देश के अंदर जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट IITs हैं उनको कौन से वाले 5-ईयर प्लान में डेवलप किया गया था? मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ये स्पेशल क्लास में, अगर आपने 10:30 का स्पेशल क्लास किया है तो मैंने 5-ईयर प्लान पूरा पढ़ाया है, तो एक बार से मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वॉज इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट ऑफ, आपको बताना है कि इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले तो ये ध्यान देना, जहाँ पे भी डेफिसिट शब्द लिखा होगा, डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर गिरावट होना, ठीक है। तो रेवेन्यू जो है जब वो यहाँ पे कम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2011-12 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि आप होलसेल प्राइस देखते हो या आप CPI की बात करते हो, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनका बेस ईयर मिलता है 2011-2012। ये कई बार पूछा गया सवाल है। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, मालूम है ना, जो इस तरीके से नया वाला सिंबल देखते हो जो कि अलाहाबाद से आया है, प्रयागराज से आया है, वो इनके ही द्वारा दिया गया था। और ये तो पता ही है ना कि 2000 पे किसकी इमेज है, 100 पे किसकी इमेज है, 50 पे किसकी इमेज है। अगर नहीं पता है तो भैया क्लास में आया करो, अब इससे ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कंटेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है दैट इज़ बेस्ट टू बेस्ट। आप चाहे जाके हर प्लेटफॉर्म पे कंपेयर कर लेना, आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलता है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला सवाल, हु इज़ द पोलिंग फॉर्मुलेटेड द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। भारत के अंदर जो फिजिकल पॉलिसी है इसको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मान लो कि आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शन में भारत सरकार लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क करके आएंगे। कहने का सेंस यहाँ पर ये है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज करो कि कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, खूब सारा पैसा लगा दिया, पैसा मतलब खर्चा करते ही चले गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ज़्यादा कर दिया, फाइन। इन्होंने सोचा था कि हो सकता है कि इन फ्यूचर चल के हमारे पास में जो पैसा आएगा वो पैसा हमारे पास में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इन्होंने इस बात को सोच लिया था, चलो ठीक है, सोचने के ऊपर टैक्स थोड़ी ना लग रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इनके पास में जो पैसा आया या इनके पास में जो कमाई हुई वो उतनी नहीं हो पाई जितनी इन्होंने सोची थी। इसका मतलब इनके पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो क्या था, कम था। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इसी चीज़ को कहा जाता है कुल मिला के फिजिकल डेफिसिट। और जब सरकार यहाँ पे इससे बाहर आने का काम करती है, यानी कि इसको ओवरकम करने का काम करती है, तो इसे कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी। तो इसको भारत सरकार देखती है, इन केस ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, एक तो फिजिकल पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर तुमसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछी जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान रखिएगा, ये RBI के द्वारा रेगुलेट करी जाती है। अगले सवाल पे आ जाओ, बताओ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम SPMCIL के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जो कॉइन्स हैं या जो लाइक हमारी करेंसी है उसको प्रिंट किया जाता है, तो वो जगह कहाँ पे आपको मिलती है? इंडिया में टोटल 4 जगह हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर करना, क्योंकि हम बता चुके हैं. नाउ इट्स योर टर्न, आप मुझे आंसर करके बताओगे. 2006 में यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था. इस्टेब्लिश किया, इसको रिन्यू किया गया था. अगला सवाल, वॉट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, अभी बताया था ना आपको मैक्रो का मतलब क्या होता है, एक बास लेवल पे. तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सी प्रॉब्लम आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई छोटा सा शब्द तो है नहीं. तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किस तरीके से पैसे को यहाँ पे डिवाइड किया जाए. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत बनती है. अगला, लेसेस फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी? अब ये जो शब्द है ये इसमें से किसके साथ में जुड़ा है? तो पहले तो पता हो कि भैया ये होता क्या है, तो पहले ज़रा इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं. ये जुड़ा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ में. देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि कई बार अप कई बार डाउन, यानी कि कई बार ग्रोथ होगी कई बार रिसेशन की कंडीशन भी आ सकती है. तो जब भी किसी जगह पर किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी. तो कंट्रीज क्या करती हैं, एग्रीकल्चर भी करेंगी, सर्विस सेक्टर में भी काम करेंगी, टूरिज्म में भी काम करेंगी, और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी है, क्वार्टरली, सारे सेक्टर्स के अंदर जब काम होता है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम कोई आर्कटिक वाले एरिया पे नहीं रहते हैं कि हमारे लिए क्या है भैया, मछली पकड़ना ही सब कुछ है. ऐसा थोड़ी ना है. हमारे यहाँ तो मछली पकड़ो, चाहे घोड़ा पकड़ो, चाहे कोई भी चीज़ के साथ में जाओ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉट, इकोनॉमी के अंदर आएगी. तो हमारे यहाँ पे मिक्स टाइप की इकोनॉमी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अगला सुनिएगा, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन शेड. तुम लोगों ने सवाल कर लिया था ना, सवाल यहाँ पे बनाया भी हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, जिसमें नहीं है वो बता देते, कोची में नहीं है. तो चौथी वाली जगह कौन सी है वो तो बता दो कम से कम. यूजुअली क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, तुमसे सिर्फ मैसूर पूछा जाता है, तो बी प्रिपेयर विद मैसूर. मैसूर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. अगला सुनिएगा, द डैश स्टॉक एक्सचेंज वॉज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम SCRA के नाम से जानते हैं. आपसे कहा जा रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो सबसे पहली बार जब रिकॉग्नाइज किए गए थे तो कहाँ पे? अरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो बस यहीं पे आपको देखने को मिलेगा. अच्छा एक चीज़ और, सेबी और सिडबी, इनके बारे में ध्यान रखिएगा. अगर आपसे पूछा जाता है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप मुंबई बोलोगे, लेकिन अगर आपसे सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ के अंदर आपको वो मिलेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ. कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओलिगोपॉली. ये ओलिगोपॉली क्या होता है यार, ये तो पहली बार सुना है मैम. चलो बताते हैं, फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स, कलवा की औरत एक, चाहने वाले अनेक, है ना, एक अनार 100 बीमार, होता है कि नहीं होता है? तो बस यहाँ पे वही बात है कि जो सेलर है वो यहाँ पर एक है, लेकिन किसी भी चीज़ को खरीदने वाले जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो जो कोई भी सामान होगा उसका जो प्राइस होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है सिर्फ वही व्यक्ति क्या करेगा, उसको खरीद पाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या आता है, आपका ओलिगोपॉली के अंदर आता है. अगला सवाल, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. बैंकिंग जो है वो इसमें से कौन से सेक्टर के अंदर आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्शरी. एग्रीकल्चर भी कई बार पूछा जाता है, तो एग्रीकल्चर जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा बनेगा. अगला सुनिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो समझो FDI होता क्या है. FDI का मतलब होता है कि जब भी बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करती है और 10% का जो शेयर होता है वो शेयर होल्डर हमारी कंट्री के अंदर ही आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, FDI कहते हैं. अब FDI का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा. आप क्या मुझे बताओगे FPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर करना, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FPI. अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट 20-point इकोनॉमिक प्रोग्राम अनाउंस इन इंडिया. आपको बताना है कि 20-point प्रोग्राम जब इंडिया में अनाउंस किया गया था हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, वो टाइम पीरियड क्या था? तो ऑब्वियस ही बात है
यही वो टाइम पीरियड था जब इंडिया के अंदर क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू हुई थी। ये 1975 का टाइम था, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लागू हुई थी इसका भी एक रीज़न यही दिया जाता था कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। लोगों के पास में खाने को नहीं था, लोगों के पास में जॉब्स नहीं थे, तो उसको बूस्टअप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला सुनना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड इन विच ऑफ द कंट्री, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरोबी, यानी कि केनिया के अंदर मिलेगा। नैरोबी इज अ कैपिटल ऑफ, नैरोबी किसकी राजधानी है? केनिया की, तो कैपिटल है वो, यहीं पर आपको मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, वाइट जिराफ देखे गए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइट जिराफ कहाँ पे पाए गए थे, तो भी इसका आंसर क्या बनेगा? केनिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू चिप कंपनी, इसमें से ब्लू चिप कंपनी कौन सी है? तो पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए, ये इस कंपनी का मतलब क्या होता है? हमने तो मैम नवरत्न कंपनी सुनी है, महारत्न कंपनी सुनी है, मिनी रत्न कंपनी सुनी है, ब्लू चिप क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके मेरे को बताना कि इसका मतलब क्या है। ये तीनों के तीनों इसके अंडर में ही आते हैं। अभी होता क्या है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? छोटे छोटे से सवाल तुम्हारे लिए छोड़े हैं, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस नहीं छोड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, अगला सवाल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स नेशंस, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नेशन है जो कि एस को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल आपके एसएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है 3-4 बार। अब भैया इसका आंसर क्या बनेगा? करोड़ों बार बताने के बाद में भी अगर गलत कर दो तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। कहाँ पे चल रहा है? इंडिया के अंदर, इंडिया ही तो उसको होस्ट कर रहा है। और इसको नाम क्या दिया गया है? दिल्ली डिक्लेरेशन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। 2010 में इसको जोड़ा गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। डैश इज अ टाइप ऑफ द गुड फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज एट इट्स प्राइस राइजेज। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई भी एक सामान है, अगर उसकी डिमांड इंक्रीज कर रही है और प्राइस जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गिफ्ट एंड गुड्स। देखो, एक तो सिंपल सा समझना, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, है ना? और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे बोला जाता है कि भैया उसका प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफिन गुड्स है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मान लीजिए टी है ना, आप चाय पीते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी यमी लगती है ना, लेकिन क्या हुआ कि चाय जब आप पीते हैं तो चाय का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड, कई बार पूछ लिया जाता है सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में भी। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल था, बट पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, सबसे पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चिट्टी साहब ने यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया था। अगला, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज नोन एज। मान लीजिए कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ का जो अमाउंट है अगर वो इंक्रीज करता है, अगर वो बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगला सवाल, विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? गॉटफ्राइड के द्वारा दिया गया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो किसी जगह पे चाइना ने अपने सामान को बेचना बंद कर दिया, इंडिया को लगा कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास में मौका है, हम जाके यहाँ पे सामान को बेच सकते हैं, तो इंडिया ने क्या किया, वो जाके वहाँ पे अपने सामान को बेचना चालू कर देगा। दैट इज़ वॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आसान भाषा में यही कहते हैं इसको। अगला, विच 5-year plan PC महलनोविस मॉडल डिपेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 12 प्लान आते हैं, जिसमें से सेकेंड वाला प्लान जो है वो इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है और हेरोल्ड मॉडल के ऊपर पहला वाला जो मॉडल है वो काम करेगा। यहाँ पे आपसे कई बार पूछा जाता है हॉलीडे प्लान के बारे में, या फिर आपसे कहा जाता है रोलिंग प्लान के बारे में, तो ये सारा का सारा आपके 5-year plans में आता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरा एक क्लास ले चुकी हूँ, ठीक है? चलो, अच्छा, तो ये तो था हम लोग का इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 1। अगर आपको लगता है कि मैम ऐसे क्लासेस एक दो और करा दीजिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करोगे तभी इसके ऊपर आगे मैं क्लास कंडक्ट करूँगी, ठीक है?
तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 15 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर SSC के लिए NDA हो गया, CDS हो गया, RO है, ARO, इन सब के लिए अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से। कोड लगेगा Kriti10, तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। EMI के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।